आधा जल हमारी मुद्रा, आधा जल हमारी भाषा, हम जीत जाते हैं। हमारा चेहरा सामने वाले के विश्वास देता है कि ये शांत है। फिर हमारी भाषा, सौम्य भाषा, एक आत्मीयता का भाव खड़ा करता है कि ये अपना मानता है। और बाद उसके जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करना, उसकी बात को शांति से सुनना, तब उसको लगता है कि ये मेरा अंगत मानस व्यक्ति है। और जब उसकी बात शांति से सुनने के बाद उसको कुछ उपाय बताने की कोशिश करते, तब उसका एक विश्वास होता है, तो जो कहता है बिल्कुल बराबर ही। ये उपाय पहले आपका चेहरा शांत होना चाहिए, बाद में भाषा, स्वयं में अवसर। जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी भी कितना सुंदर शब्द से मुदन करते, हे आयुष्यमान, शिष्य है उसको गुरु कह रहे हे आयुष्यमान मैंने सुना। दूसरे नंबर में भाषा हमारी ऐसी होनी चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स को सुनने की धीरता होनी चाहिए। दुनिया में सुनता नहीं कोई, और जो भी सुनेंगे वो आधा सुनेंगे। सुनने के बाद उनका रिएक्शन प्रेम भरा नहीं होगा, उनका रिएक्शन होगा बेटा तेरे लिए यही नहीं लायक था, तू जो गड़बड़ करता है तेरे लिए तो यही बराबर था। बात ये कि दूसरे नंबर में शांति से उनकी बातों को सुनना, किसी के दुख को सुनते हो उसका दुख 50% हो जाता है। दुख कहने से आधा होता है, सुख कहने से दो गुना होता है। शांति से सुनने का होता है। और चौदह नंबर में है, फिर आप उसको कोई उपाय बताओ, प्रेम से उपाय बताओ, वो स्वीकार करे।